नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। कभी बनना चाहती थी आर्मी ऑफिसर, बन गई अमिताभ बच्चन की को स्टार। ऐसे बदली थी एक्ट्रेस की किस्मत। सपनों की नगरी मुंबई में हर दिन ना जाने कितने लोग एक्टिंग में नाम कमाने का सपना लिए कदम रखते हैं। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ये एक्ट्रेस नाम कमाते हैं और दर्शकों के दिलों में अपनी जगह भी बनाते हैं। आज टीवी की ऐसी ही लोकप्रिय एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किस्मत से एक्ट्रेस बनी थी। कभी फिल्मी पर्दे पर आने का ख्वाब भी ना देखने वाली ये एक्ट्रेस आज टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार है। उनकी किस्मत भले ही उन्हें अभिनय की दुनिया में खींच रहे, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में खुद को साबित किया। हम बात करें दिव्यांका त्रिपाठी की। दिव्यांका त्रिपाठी उन चंद एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन संग स्क्रीन साझा करने का मौका मिला था। टीवी की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक दिव्यांका त्रिपाठी दहिया का जन्म 14 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस असल में आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। दिव्यांका त्रिपाठी स्कूल में एनसीसी कैंडिडेट थी। उन्होंने उत्तराखंड के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पर्वतारोहण का कोर्स किया है। खतरों से खेलने की शौकीन दिव्यांका पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी अपने साहस का परिचय दे चुकी हैं। बनू में तेरी दुल्हन फेम दिव्यांका त्रिपाठी ने साल 2003 में मिस भोपाल का टाइटल जीता था। मिस भोपाल ब्यूटी पेजेंट उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ था। उसके बाद साल 2004 में वह द जी सिने स्टार्स की खोज नाम के टैलेंट हंट शो की विजेता बनी थी। उन्होंने दूरदर्शन के सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान टीवी सीरियल बनू में तेरी दुल्हन और ये है मोहब्बतें से मिली थी। वह साल 2017 में नच बली 8 की विनर भी रही थी। इंडस्ट्री में लंबे करियर के दौरान कई बार उनके सामने ऐसी परिस्थितियां भी रही थी कि वे दो वक्त का खाना भी जुगाड़ नहीं कर पाती थी। एक इंटरव्यू के दौरान दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया था कि एक शो खत्म करने के बाद आपको अगले शो की तलाश में जुटना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि ऐसा समय होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको अपने बिल EMI भरना पड़ता है और इसके अलावा भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। दिव्यांका त्रिपाठी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने बिग बी के साथ घड़ी डिटर्जेंट के एड फिल्म में स्क्रीन साझा किया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।